तिरछा नजर की छटा के द्वारा ही निरंतर वशीकृत प्रति नंद नंदने, निरंतर वशीभूत कर देते है राधारणी नंद नंदन को। इसी प्रकार जो राधारणी कब मेरा कृपा कटाक्ष भाजनम, कब हमारे कटाक्ष की उनकी कृपा कटाक्ष के पात्र बनेंगे। ये चाबी नहीं जैसे ड्रायर अच्छी दे दो संदीप। तो ये कौन को उतली दुर्गंत बाण पात ने निरंतर वशीकृत प्रतीति नंद नंदने कदा करीष्य सी हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कब श्री राधारणी मुझे कृपा करेंगे, कृपा कटाक्ष के पात्र बनाएंगे। कौन प्रार्थना करते हैं? शिव जी। हाँ, तो इसलिए राधारणी की कृपा जब तक नहीं होगी तब कृष्ण की कृपा भी हमको प्राप्त नहीं होगी। जिनकी कृपा के कारण ही राधारणी प्रार्थना, उद्धव जैसा द्वारिका के पार्षद, बृहस्पति के शिष्य और कृष्ण के प्रिय सखा, जादवों में श्रेष्ठ कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ मंत्री मंत्रणा, कृष्ण को जो विपत्ति आती है कृष्ण को भी मंत्रणा देने वाले कौन? उद्धव जी। ऐसे उद्धव भी जब ब्रज में आए प्रेम विद्या शिक्षा करने के लिए, जहां पर ब्रज यूनिवर्सिटी में, प्रेम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सब हमारे गुरुदेव कहते थे कौन? गोपियां। और राधारणी प्रिंसिपल है, प्राध्यापक है, प्रिंसिपल। लेकिन उसमें गोपियों का प्रिंसिपल को तो केवल दर्शन ही किए राधारणी की, लेकिन गोपियों की केवल एक ही बात सुन करके प्रश्न पूछा, उद्धव ने जवाब दे नहीं पाए कि जगत में हेतुक मान अहेतुक, हेतुक प्रेम अहेतुक प्रेम, ये दोनों प्रेम में लेकिन कृष्ण क्यों हमको छोड़ दिए। हम जानते हैं दुनिया में जिस प्रकार हेतु का प्रेम है, ऋत्विजा दत्त दक्षिणाम, कि जब छात्र स्टूडेंट प्रोफेसर से पढ़ाई करते हैं, विद्या शिक्षा हो गया तब फिर छोड़ के चले जाते हैं, प्रीति टूट जाता है, क्योंकि स्वार्थ हटा प्रीति टूट गया। और चिड़िया वृक्ष के ऊपर बैठते हैं, प्रेम तो करते है, कितना सुंदर चूं 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 काकली शब्द करते है, लेकिन पत्ता चले गए, बसंत चला गया, चिड़िया फिर पेड़ को छोड़ करके चले जाते हैं। ऋत्विजा दत्त दक्षिणा, ब्राह्मण आते हैं घर में, पुरोहित, और घर में क्रिया कर्म आदि करते, लेकिन जय ही दक्षिणा प्राप्त हो गए तब फिर उनको छोड़ करके, पुरोहित जजमान को छोड़ करके चले जाते हैं। तो इसी प्रकार भ्रमर भी वो फूल में बैठते हैं, लेकिन जिस समय मधु खत्म हो गया तो फूल को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन ये हेतु का प्रेम है, किसी के कारण ही प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे प्रेम के कारण क्या था? हम तो कृष्ण को कुछ पाने के लिए प्रेम नहीं किया था, तो कृष्ण से हमको कोई भी जरूरत वस्तु नहीं था, केवल कृष्ण को प्रेम कर रहे थे प्रेम के लिए, भक्त्या संजातया भक्त्या, प्रेम के लिए ही प्रेम करते थे, उनके बिना, उनको प्रेम करने बिना हमारे प्रेम नहीं रह जाता, तो इसलिए फिर भी हमारे प्रेम क्यों टूट गया। उद्धव जवाब दे नहीं पाए, इंटरव्यू में ही फेल हो गए, इसलिए जैन नहीं मिला, जैन कर नहीं पाए, आ गए। और कृष्ण को आने के बाद कृष्ण के पास प्रार्थना किए कि आशा महो चरण रेणो जुसा महस्याम वृंदावने किमपि गुणम लतो सधिनाम जादुस्त्यजम स्वजन आर्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुति विमृग्या। क्या उद्धव अष्टपाट महिष द्वारका में जब तक तो थे, कितने दिन तक नहीं थे? रुक्मिणी, सत्यभामा, नागनजीति, लक्ष्मणा आदि अष्टपाटवंशी 16108 रानियों के साथ तो कितने बार संबंध हुआ, कितने बार उनको दर्शन हुआ, कितने बार उनको महिमा प्रेम को दर्शन किया उद्धव ने, लेकिन होने पर भी कभी द्वारिका की रानियों की एक चरण की धूल को प्रार्थना किए या हजार धूलियों की प्रार्थना किए? वहां पर तो धूलि उपलब्ध है, उपलब्ध होने पर भी धूलि प्रार्थना छोड़ो, द्वारिका के महिषों का कुछ भी वस्तु को प्रार्थना नहीं किए। लेकिन ब्रज में और उद्धव द्वारिका की श्रेष्ठ जादव की स्वरूप ऑलरेडी प्राप्त है, लेकिन होने पर भी
गोपांगनाओं की जब प्रेम उन्होंने दर्शन किया, विशेष करके राधा रानी की, भ्रमर गीत की भाव जब उन्होंने दर्शन किए उद्धव ने, तब तो प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना? ब्रज में जन्म मांगते हैं। ब्रज में क्यों जन्म मांगते हैं? केवल कोई पेड़ कोई बड़ी नंद बाबा जसोदा या श्रीधाम सुबल मधुमंगल कोई एक स्वरूप में नहीं मांगते, क्या शांत रस में, शांत रस की एक स्वरूप तृण का जन्म मांगते हैं। क्यों तृण का जन्म मांगते हैं? और वो भी रास्ते के किनारे। क्यों? क्योंकि कहते हम इतना अयोग्य है, हम इतना अनधिकारी है, अगर गोपियों को राधारानी को प्रार्थना करने पर भी वो लोग नहीं देंगे क्योंकि उसके लिए भी मैं अनधिकारी हूं, लेकिन कृष्ण कृपा करके अगर मुझे ब्रज में कोई तृण जन्म दे दे। और उसी समय गोपियां जब भटकती हुई चलती है रास मंडल की रास मिलन आकांक्षा से, और उसी समय शुद्ध बुद्ध खो जाती है, और जब जाने के समय गलती वशत अगर चरण गिर जाएगा, और तब इसी गोपांगनाओं की एक धूली मुझे प्राप्त हो जाएगी और मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसलिए कहते प्रार्थना करते हैं कि नंद गोप ब्रज स्त्रीणाम पाद ऋणु अभिखन सह, नंद गोप ब्रज स्त्रियों का एक ऋणु की मेरा प्रार्थनीय वस्तु है। जासां हरि कथोद्गितम पुनाति भुवन त्रयम, जिनका उद्गित गीत सारा त्रिभुवन को पवित्र करने वाले। इस प्रकार जो राधारणी है जिनकी चरण कमल की एक धूलि को प्रार्थना करते हैं, और सारी रति गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी और रमा सब भी नितांत रते है प्रशांत, क्या है उस श्लोक, हाँ, तो इसलिए ये राधारानी की चरण कमल में वंदना करती है। तो इसी प्रकार जो राधारानी है हर समय कृष्ण गुरुदेव कहते थे दो प्रकार की दामोदर है, एक है जसोदा माँ के दामोदर, लेकिन जसोदा माँ के दामोदर एक दिन के लिए एक दिन ही केवल प्रकाशित रूप में जसोदा माँ ने बांधा, लेकिन कृष्ण ब्रज में राधा दामोदर है, राधारानी के दामोदर है, यानी राधारानी अपना प्रेम रज्जु के द्वारा निरंतर कृष्ण को बंधन करते हैं। इसलिए कृष्ण राधारानी दामोदर है, और कृष्ण दामोदर राधा दामोदर है। राधा दामोदर मतलब प्रकाशित रूप में जसोदा माँ तो एक दिन बंधन किए, लेकिन राधा रानी ने अप्रकाशित रूप में निरंतर हर दिन के लिए बंधन करके प्रेम भाष में बंधन करके रखा है। इसलिए कृष्ण राधा दामोदर है। गाठोली एक गांव है जहां पर सखियों ने राधारानी के चुनरी के साथ कृष्ण की पीताम्बरी को उत्तरी को गांठ बांध देते हैं, यानी कृष्ण राधारानी को छोड़ करके कभी न जाए। इसलिए इस प्रकार जो राधारानी की प्रेम में बातुल है, जहां पर कहते कि बंसी करात निपतित स्खलित श्रीखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनुम जस्य जस्य कटाक्ष सराघात विमूर्छित तम राधिका चरण रेण मनुश्रयामी, कि जिनकी मयूर पंख भी शीर प्रदेश की बंसी करात निपतित, बंसी भी हाथ से अपना अपना प्रिय बंसी भी हाथ से गिर जाती है, और मयूर पुच्छ भी गिर जाता है, और भ्रष्टम च पीत वसन भ्रष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार श्रृंगार विपर्जय को प्राप्त करते कृष्ण जिनकी कृपा कटाक्ष से मूर्छित हो जाते हैं, इस प्रकार राधारानी की चरण कमल में जिन दिशा से वो हवा भी बहती है उसी दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ। ये कृष्ण की राधारानी की बहुत बड़ी महिमा है, जिनके कारण ही राधा राध साध संसिद्ध हो, कृष्ण न आराध्यते इति राधा, सेवा कुंज में कृष्ण के सेवा राधारानी की सेवा कृष्ण करते है, जिनके लिए कृष्ण प्रार्थना करते है, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, हे राधे आपकी चरण धूलि प्रार्थनीय मेरा प्रार्थनीय वस्तु है, उनको प्रदान करके मुझे आप प्रशमित कीजिए। बोल श्री राम राधा रानी की जय, भगवान कृष्ण चंद्र की जय, ब्रजराजेश्वर कृष्ण चंद्र की जय, वृषभानु नंदिनी अष्ट सखी शिरोमणि श्रीमती राधा रानी की जय, नित अखिल गुरु महाराज की जय,
अभी हम लोग को महाराज जी बहुत सुंदर रूप से राधारण की महिमा को सुनाएंगे। बहुत बहुत अच्छा महाराज जी बोलते थे तो गुरुदेव प्रसन्न हो जाते थे राधारण के बारे में, तो हम सुनेंगे। बड़ी सौभाग्य है, वांछा कल पतर कृपा सिंधु भय पतितान पावर वैष्णव श्रीमती राधा रानी की जय। श्री वृषभानुराज नंदिनी की जय। ओम ज्ञान तिब्राम दस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भजामि राधां वरविन्द नेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो मम नास्ति गतिर्न क्वापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरि हरे हरि राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रीला महाराज जी वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जथा जी को ठीक से छोड़ छड़ा प्रणाम करता हूँ। हम दिजना हरे कृष्ण। आज कहते जिनके प्रेम का था स्वयं कृष्ण ही नहीं पाते, इसलिए बोले विभुरा पी कल्याण। ये श्लोक में कहते हैं जैसे कृष्ण को देख करके राधा रानी का प्रेम बढ़ती है, राधा रानी का प्रेम को देख कर कृष्ण का प्रेम भी बढ़ती है। कहते दोनों में होड़ लग जाती है, लेकिन होड़ लगते 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 राधा रानी की प्रेम इतने ऊंचाई तक पहुंच जाती है जहां पर राधा रानी का प्रेम को देख करके जहां पर कृष्ण स्वयं फैल हो जाते, जहां पर राधा जी की प्रेम को कृष्ण था नहीं पाते। कहते जहां पर कहते हर वस्तु का एक लिमिटेड है, बढ़ते 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 जाकर के लिमिटेड में समाप्त तो हो जानी चाहिए, लेकिन राधा रानी का प्रेम कैसे है? कहते जिसका कोई लिमिटेड नहीं, वो जहां पर अंतिम तक पहुंच करके भी अंतिम छोर तक पहुंच करके भी उसको ऊपर में भी राधा रानी का प्रेम बढ़ती रहती है, है? इसलिए ऐसे जो राधा रानी के प्रेम को सबके भक्त लोग वंदना करते हैं, इसलिए कहते जिनका प्रेम था कृष्ण ही नहीं पा सकते। इसलिए कृष्ण कलयुग में क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, कारण क्या है? कारण यही है, जब ब्रज लीला समाप्त हो गया, कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में गए, एक दिन निकुंज में बैठ करके सोच रहे हैं, कहते मेरे मन में जो कुछ इच्छा था सारे प्रेम को मैंने आस्वादन किया, स्वयं भगवान होकर के भी मैंने सख्य रस का आस्वादन किया, सखाओं का सखा बन करके जुटन खाए, घोड़ा बन करके उनको पीठ पर लद करके उनको भी ढोया, भगवान होकर के भी जो मैं अनंत असीम हूँ, लेकिन मैया के प्रेम में बंध गया मैंने, माँ मेरे कान को पकड़ करके शासन की, और भगवान होते हुए भी जहाँ पर ब्रज गोपियों के प्रेम को मैंने आस्वादन किया, जहाँ पर मैंने कहा न पार आम निरबद्ध संजुजाम, हे ब्रज गोपियां ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी तुम्हारे ऋणी से कभी मैं उऋणी बन नहीं सकता हूँ। सब चीज को मैंने तो आस्वादन किया, लेकिन एक चीज को मैंने समझ नहीं पाया, वो क्या है? बोले राधा आप प्रणव महिमा के दर्शन, और राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, इसलिए राधा रानी मुझे भी दर्शन करके आनंद उसको मिलता है, मुझे भी राधा रानी को, लेकिन मुझे जो आनंद मिलता है उससे करोड़ गुण राधा रानी को आनंद मिलता है, एक दो गुण नहीं, वो करोड़ गुण राधा रानी को आनंद मिलता है। फिर वो आनंद में है क्या, किस चीज का आनंद है?
राधा रानी को मिलता है जिसमें राधा रानी दीवानी बन जाती है और प्रेम का दिव्य जिनके शरीर में प्रेम की किलकिंचित कुटायत मुटायत दिव्य उन्माद ये सब चीज को है, ये सब चीज मेरे अंदर में नहीं होता है और केवल और राधा जी के अंदर में वो सब चीज होती है। विश्व ब्रह्मांड मेरी बंसुरी सुनकर के मुग्ध हो जाते हैं लेकिन राधा रानी की गला की जब आवाज में सुनता हूँ मैं स्वयं पागल बन जाता हूँ। मेरे शरीर को स्पर्श करके विश्व ब्रह्मांड सुशीलता को प्राप्त करते हैं लेकिन जब मैं राधा रानी के शरीर को स्पर्श करता हूँ मैं स्वयं सुशीलता को है मैं स्वयं प्राप्त करता हूँ। इसलिए तभी राधा रानी के अंदर में है क्या चीज इसको समझने के लिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा रानी से उन्होंने दो चीज को उन्होंने उधार लिया है, राधा जी की भाव और उनके अंग कांति। वो चीज को उन्होंने उधार लेकर के कलयुग में राधा भाव दुति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूप। इसलिए स्वयं उन्होंने कलयुग में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आए और स्वयं अपने आप को राधा मान करके राधा रानी जैसे हा कृष्ण बोल करके रुदन करते थे, प्रेम में डूब जाते थे। कृष्ण स्वयं उन्होंने राधा जी की प्रेम में स्वयं डूबे और राधा रानी स्वयं गदाधर पंडित बन करके आए और राधा रानी ने क्या की, ये क्या जैसे कोई किसका रोल करते है ना, जैसे रावण का कोई रोल कर, राम का रोल कर, उसका कोई टीचर होता है ना जो शिक्षा देता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। इसलिए राधा रानी स्वयं गुरु बन करके कहते कृष्ण की प्रेम का गुरु कौन है, जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु है, कृष्ण बंदे जगत गुरु, लेकिन कृष्ण का गुरु कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी, इनके प्रेम के गुरु श्री राधा रानी है। इसलिए गदाधर पंडित रूप में स्वयं महाप्रभु को शिक्षा देते, बोले ऐसे नहीं अभी मेरे एक्टिंग कर रहे हो ना, मेरे एक्टिंग कर रहे हो ना, इतना आसानी नहीं मेरे एक्टिंग करना, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे। स्वयं राधा रानी गुरु बन करके क्या कर रहे हैं, श्याम सुंदर को प्रेम की शिक्षा देते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए चैतन्य चरितामृत में श्लोक आया है कस्मात बृंद प्रिय सखी, इसलिए राधा रानी बृंद को पूछ रहे तुम कहां से आ रहे हो, बोले राधा कुंड से, बोले तुमने राधा कुंड में क्या देखा, बोले कृष्ण को नृत्य करते हुए, बोले कहा गुरु, बोले गुरु कौन है, बोले गुरु वहां के जो लता बताए हैं, कहते राधा कुंड स्वयं राधा जी की भाव में जितने लता बता भी वो राधा जी की भाव में विभावित है, कहते वो राधा जी की स्वरूप मान करके लता पताओं से कृष्ण स्वयं नृत्य विद्या सीख रहे थे, मतलब स्वयं राधा रानी प्रेम की गुरु। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती एक श्लोक कहते हैं, बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरुह पदारविंदम श्रीमात परागत भूतमय वैभवाया। वो कह रहे हैं राधा रानी के चरण कितने दुर्लभ है, बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरुह, बोले ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं राधा रानी की महिमा को समझने के लिए बरसाना रूप में वो पर्वत बनकर बैठे, 60,000 साल उन्होंने तपस्या किया है केवल राधा जी की कृपा को पाने के लिए। बोले ब्रह्मेश्वरादि, बोले ईश्वर कौन, बोले स्वयं शंकर जी, उन्होंने भी नंदीश्वर पर्वत रूप में राधा जी की सेवा पाने के लिए वो भी बैठे थे। आदि मतलब अभी सुन रहे तो उद्धव जी हैं, उद्धव जी ब्रज में आए और ब्रज में जा आकर के बोले उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की ज्ञान, ज्ञान बजाए डुगडुगी और बाजे प्रेम की ढोल। जहां पर गुरुदेव कहते थे, जहां पर उद्धव जी आकर के बोले उद्धव शुद्ध है गयो, शुद्ध मतलब सीधा है। इसलिए उद्धव जी अपने आप को बहुत बड़े अभिमानी मानते थे, मेरे जैसे हैं, बोले शिष्य बृहस्पति साक्षात बृहस्पति का शिक्षा, जगत में कोई उनको पढ़ाने वाला नहीं थे टीचर, इसलिए उनको जाना पड़ा कहां पर, स्वर्ग में जाना पड़ा बृहस्पति को पास में। ऐसे उद्धव भी जब ब्रज में आते हैं जहां भ्रमर गीत, जहां पर राधा रानी की प्रेम वैचित्रता को जहां पर देखते हैं, जहां पर संजल्प अभिजल्प सुजल्प विजल्प, हाँ उनका जो एक एक श्लोक है भ्रमर गीत का, गुरुदेव कहते थे बोले उद्धव जी तो आए फिर रहने क्यों ब्रज में, भागे क्यों, कारण क्या, बोले कारण है राधा रानी को प्रेम को देख करके बोले पीड़ा भी नव काल कुटता गर्भ से निर्वासनम। उद्धव जी ने देखा भैया
इनके अंदर में जो प्रेम की जो पीड़ा, कृष्ण प्रेम की जो विरह जो पीड़ा है भैया, इसको मैं सहन नहीं कर सकता, मैं इसको सहन नहीं कर सकता, भाग गई यहाँ से, वो सहन नहीं कर सकते। इसलिए राधा रानी के प्रेम को देख करके कहते बंदे नंद ब्रज स्त्रीनां पाद रेणु। यहाँ पर से विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं उन्होंने केवल एक धूल को प्रार्थना किया, बोले एक धूल किया, बोले राधा रानी के चरण की एक धूल को उन्होंने प्रार्थना किया है। उद्धव जैसे व्यक्ति किस लिए आए थे, बोले कारण है राधा रानी का प्रेम सर्वोत्तम प्रेम है, इनका जैसे प्रेम जगत में कुछ है ही नहीं। अगर एरे गेरे व्यक्ति कोई बात को बोले ना, अरे इसका बात का क्या महत्व है, हैं? लेकिन अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कोई बात को बोलते हैं, बोले भैया इसमें कुछ दम है, इसमें कुछ दम है, हैं? अगर मोदी कोई बात बोले ना, बोले कुछ दम है, क्यों प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। इसलिए कहते उद्धव अगर कोई बात को बोले, कृष्ण सोच रहे हैं सारा दुनिया एक वाक्य में ग्रहण करेंगे, इसलिए उन्होंने उद्धव जी को भेजे और उन्होंने राधा जी की महिमा को देख करके सुन करके उन्होंने पंचो मुंह में जब उनको महिमा को गाए ना, तब पता चला भैया राधा रानी की प्रेम जैसे दुनिया में कहीं है नहीं। इसलिए कहते ब्रह्मेश्वरादि, बोले राधा रानी का जो चरण है ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है, शंकर के लिए भी दुर्लभ, उद्धव के लिए भी दुर्लभ, नारद के लिए भी दुर्लभ है। कहते ब्रह्मेश्वरादि, स्वरादि मतलब जो आदि स्वर जो कृष्ण है, कहते उन्हीं के लिए भी राधा रानी का चरण उनके लिए भी दुर्लभ है। इनका बात ही छोड़ दो, बोला आदि ईश्वर जो कृष्ण है उनके लिए भी राधा रानी का चरण दुर्लभ है, हैं? इसलिए अगर राधा रानी कहीं मान कर लेती है ना, बस कृष्ण का हो गया। इसलिए कृष्ण कहते हैं राधे ये गिरिराज गोवर्धन को उठाने में मेरे को इतना ताकत नहीं लगा है, ये अघासुर बकासुर को मारने के लिए मेरे को इतना ताकत नहीं लगता है, हैं? उनको मैंने कालियों को नथने के लिए इतना मेरे को ज्यादा ताकत नहीं लगता, लेकिन हे राधे तू जो मान कर दिया ना, इसको मनाने के लिए पता नहीं मेरे को इतना कष्ट होता है, और किसी चीज में मेरे को इतना कष्ट होता ही नहीं इतना, राधा रानी जो मान कर लेती हैं। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं चतकीं करिसु बहु सौ खड़ु काक वाणी नित्यम परस पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदा वृषभान तत्केल कुंज भवनांगनी मार्जनिश्याम। राधा रानी की महिमा को गा रहे हैं, अगर राधा रानी कभी मान कर लेती हैं और कुंज में बैठ जाती हैं, सखियां अपना मंजरी सखियों को कहती हैं आज मैं कोई काला चीज देखना नहीं चाहता हूँ, ये भ्रूर जो काला है ना इसमें भी चंदन लगा करके सफेद कर दो, छोटी जो काली उसमें भी फूलों की माला से उसको भी सफेद कर दो, किसी काले व्यक्ति को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। कृष्ण कहाँ पर आत पर परम ब्रह्म कहाँ पर है, हैं? इसलिए जो ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह और अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण आज कर रहे हैं क्या, बोले जत किंकरी सु है, कहते उनका जो किंकरी है उनकी जो सेविका है जो मंजरी इनको पास में हाथ जोड़ करके काकुत विनती करते हैं थोड़ी सी मुझे किशोरी से हमें मिला दो, हैं? कहते नहीं, राधा जी बोले आज कोई काले व्यक्ति को दर्शन नहीं करेंगे, फिर वो क्या करते, फिर उन्होंने स्वयं बामन भट्टू का रूप धारण करते हैं। कभी कभी कृष्ण माली हरिणी पाली हरिणी तरह तरह का कहते मेरे को बड़े सुंदर मैसेज करना आता है, जिसका मैं प्यार मैसेज कर दू ना सब दुख दूर हो जाएगा, बड़े सुंदर मैं अलका बनाना जानती हूँ, तिलक जिसको तिलक रचना कर दू सब व्यथा, बोले हमारी किशोरी भी बड़ी दुखी है, कहते उनको व्यथा दूर हो जाएगा, बोले हाँ जो बास कृष्ण स्वयं बड़ी सुंदर चूड़ी बेचने वाली और मैसेज करने वाले रूप धारण करते हुए जाते हैं, जा करके राधा रानी को अपने हाथों से श्रृंगार करती है राधा रानी को, और राधा रानी का चरण को दबाते हैं, कौन ये परात पर तत्व परम ब्रह्म स्वयं। इसलिए कहते ब्रह्मेश्वरादि सुदूरव पदारविंदम, कभी कभी साधारण व्यक्ति छोड़ दो कृष्ण के लिए भी राधा रानी के चरण इनके लिए भी दुर्लभ हो जाता है, इतने दुर्लभ श्री राधा रानी की चरण कद पद्म। इसलिए जत पराग परमाद्भुत वैभवया, कहते राधा रानी के चरण की जो धूल है बोले अद्भुत शक्ति है, जिसके लिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तद अटबिम असंभास तद भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंधु रसस्या अवगाहो। इसलिए अगर कृष्ण समुद्र में अगर कोई अवगाहन करना चाहते उसमें कोई
गोता लगाना चाहते क्या करनी चाहिए, बोले तीन चीज को पहले अपनाओ। बोले तीन चीज किया, बोले पहले है अनाराध्य राधा पदाम भोज रहे, पहले राधा रानी के चरण की धूल का आश्रय करो। दूसरे चरण है, दूसरे चीज है राधा रानी की चरण को कर अंकित जो वृंदावन धाम का आश्रय करो। अब सबसे जो बड़ी चीज है राधा रानी की प्रेम रस में जो संत डूबे हुए हैं, जब तक उनकी चरण को कोई आश्रय ग्रहण नहीं करता है ना, बोले कुतः श्याम सिंदूर कहा कृष्ण रस समुद्र में कहा तुम गोता लगा सकते हो। इसलिए बोले राधिकार दासी यदि हाय अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुल का, कृष्ण उनको सबसे जल्दी जल्दी मिलेंगे अगर कोई ये अभिमान कर दे हम राधा रानी की चरण की दासी। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं राधा पद छाड़ी जय जन सजन भजे हमी तो राधिका पक्ष पात्रता कभू नाही हेरते। हाँ वो क्या कह रहे हैं, बोले राधा रानी के चरण को छोड़ कर भले ही जो जिसको उपासना करना कर ले, लेकिन हम तो हर समय श्री राधा रानी की पक्षपात लेने वाले हैं, पक्षपात लेने वाले। इसलिए राधा रानी की कृपा के बगैर श्याम सुंदर नहीं मिल सकते हैं। इसलिए राधा की कृपा से ही कृष्ण पूर्ण रूप में प्राप्त होगी। इसलिए आराधी आज श्री हमारे श्री आराध्या देवी श्रीमती राधा रानी, आज श्री राधा रानी की जन्मतिथि, इनको तो बहुत महिमा। फिर हम लोग शाम को भी फिर हम लोग श्रवण करेंगे राधा रानी की, विभिन्न पुराण में कहां कहां पर राधा रानी की कहां कथा है, राधा रानी की कहां महिमा। इसलिए आज श्री राधा रानी से हम सबको प्रार्थना करते हैं। अगर राधा रानी तो हमारे लिए बहुत दूर है, राधा रानी जब कृष्ण के लिए दूर इतना तो हमारे लिए भी तो बहुत दूर है ना। फिर हमारे पास में कौन है, कहते हमारे पास में गुरु वैष्णव है, हमारे पास में गुरु वैष्णव है, हम इनको चरण में प्रार्थना करेंगे हैं। यही लोग ही, इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कबे लोकनाथ मरे संगे लिया जावे श्री रूप पाद पद में मरे समर्पित। कब ऐसे होगा मेरे गुरु पाद पद्म मेरे हाथ पकड़ कर श्री अपना उनको गुरु जी को पास मिले जाएंगे, उनको गुरु जी को पास, उनको गुरुदेव श्री रूप मंजरी को पास में, रूप मंजरी लेकर के ललिता को पास में पहुंचेगी, ललिता लेकर के श्री किशोर जी को पास में पहुंचेंगे। और किशोर जी फिर पूछती हैं ये नई सखी लाई कहां से, बोले ये रूप मंजरी ने लाई है, रूप मंजरी ने ये सखी को लाई, फिर जा करके राधा जी की सेवा को प्राप्त हो सकता है। इसलिए पहले हमारी श्री गुरुपाद पद्म और जो वैष्णव लोग है अगर इनकी कृपा होगा तो फिर हम कभी ना कभी राधा जी को पास में पहुंच सकते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की, सपरिकर गौर हरि की, गुरुपाद पद्म की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ तुम लोग सब रेडी हो, ओ भैया सब तफन सब रेडी ना, राधिका चरणा पद्मा केवल राधिका चरणा रेणु भूषण करिया तनु Gracias.
Na 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 na